Welcome to my YouTube channel. It's Tani's World. And आप देख रहे हैं मुझे अपने सामने. Well, आज की वीडियो में मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीजें आपसे शेयर करने वाली हूँ जो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा काम आई, फ्यूचर में आएंगी और अभी आ रही हैं. और इस वीडियो के एंड में भी मैं कुछ स्पेशल आप लोगों को बताने वाली हूँ, सीक्रेट. पर उसके लिए वीडियो पूरी देखिएगा, ठीक है? ये नहीं कि जल्दी जल्दी देख लें, पूरी देखिएगा, ठीक है? क्योंकि बीच में इम्पोर्टेंट चीजें भी हैं. और जिस जिसने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे घंटी पे बटन भी दबा दें, क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी धमाकेदार वीडियो जो फ्यूचर में आने वाली है, बड़ी एक्साइटिंग थी, वो आप लोगों को पता चल जाए, वो सीक्रेट से रिलेटेड है. ओके, सो लेट्स बिगिन. आज मैं आपको अपनी चार सीक्रेट क्रीम्स बताने वाली हूँ जिसने मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर दी, एंड आई एम श्योर वो आपकी भी चेंज करेगी. बिकॉज ये ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ अपने पे अप्लाई करा और बस आपको बता रही हूँ. इसके मैंने बहुत इस पर स्टडी की और रिव्यूज देखे, एंड देन आई यूज इट माई सेल्फ. और इसमें ऑयली और ड्राई स्किन का कोई वो नहीं है. दो नाइट क्रीम्स मैं आपको बताने वाली हूँ एंड दो मॉर्निंग. इन चार चीजों को आप अपनी रूटीन में शामिल कर लें, ट्रस्ट मी यू गोना थैंक मी लेटर, बिकॉज इससे एक हसीन स्किन आपके सामने आ जाएगी. एंड सीरियसली, मेरे भी ब्रेकआउट्स होते थे, पिंपल्स होते थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब ये सारी चीजों से मुझे निजात मिल गई है. आई एम वेरी हैप्पी, एंड इसीलिए मैं आपसे आज डिस्कस कर रही हूँ इन चार क्रीम्स के बारे में. सबसे पहले मैं आपसे जो अपनी क्रीम डिस्कस करने वाली हूँ वो है मेरा मॉइस्चराइजर मॉर्निंग में, न्यूट्रोजेना का. ये है जेल बेस्ड हाइड्रो बूस्ट वाटर जेल. इसमें एक आता है क्रीम भी, मैं आपको वो एडवाइस नहीं करूंगी बिकॉज वो थिक होता है और वो रिजल्ट नहीं देता जो ये रिजल्ट देता है. ये आप चाहे आपकी ऑयली हो चाहे आपकी ड्राई हो, आप दोनों पे अप्लाई करें, आप खुद फील करेंगे. जैसे हम सांस लेते हैं ना, हमारी स्किन ऐसे आपको लगेगा कि सांस थ्रू आउट द डे आपकी स्किन फ्रेश रहेगी, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने फेस पे कुछ लगाया हुआ है, बट एट द सेम टाइम वो बिल्कुल यू नो फ्रेश लुक देगी आपको. तो आई हाईली रिकमेंड कि ये अपनी स्किन रूटीन में ये वाला मॉइस्चराइजर जरूर शामिल करें. तो द फर्स्ट थिंग यू गोना यूज इन द मॉर्निंग, हाइड्रो बूस्ट. मेरी खुद ऑयली स्किन है, बट ट्रस्ट मी मैं इसे रोज यूज करती हूँ. ट्रस्ट मी, मैंने पता नहीं कितनी बार बोल दिया है, आप मुझ पर ट्रस्ट कर ही लें. खैर गाइज, वो होती है ना कुछ कोई टैग लाइन होती हैं, तो मेरी भी एक टैग लाइन है ट्रस्ट मी. तो इसको आप यूज करें, आप डिफरेंस ऐसे देखेंगे कि आपकी स्किन जो है, जो हम कहते हैं ना कि जल्दी एज से पहले बड़े लग रहे होते हैं और ये सब जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जब आप अपनी रूटीन में सन क्रीम स्टार्ट कर देंगे, आप अपनी एज से छोटे लगने लगेंगे. सबसे पहला फायदा ये है, क्योंकि आपकी स्किन जो होती है ना वो ग्लो करने लगती है, रिंकल फ्री हो जाती है. तो प्लीज अपनी हर मॉर्निंग में, इनफैक्ट नाइट में भी लोग यूज करते हैं, बट आई डोंट यूज इट एट नाइट. मेरी खुद ऑयली स्किन है और मैं जब इसे यूज करने लगी थी तो थोड़ा सा परेशान होती थी कि कहीं ऐसा ना हो मैं ऑफिस जाऊं तो अजीब सा चेहरा लगे, बट नो, इट्स कम्प्लीटली गुड. आई मीन बिल्कुल सही आपको टेक्सचर देती है स्किन में, कोई ऑयली आपका फेस नहीं लगता. आप उसके बाद अपना कोई भी मेकअप करना चाहती हैं, और लड़की अगर ऐसे ही जाना चाहते हैं चले जाएं, कोई बात नहीं है, मगर इसे लगाने के बाद एटलीस्ट 15 मिनट्स के बाद आप लोग बाहर जाएं, और 15 मिनट्स के बाद ही लेडीज अपना मेकअप स्टार्ट करें, एंड यू आर गुड टू गो. सो ये मॉर्निंग की दो चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं. और अब मैं आती हूँ नाइट की वो दो सीक्रेट्स पे. ओके, नाउ आई टॉक अबाउट माय नाइट रूटीन. अच्छा, मैं देखती थी कि मैं इतनी केयर कर रही हूँ, उसके बावजूद मेरी स्किन जो है वो ग्लो नहीं करती, एक डल पना है. तो मैंने बहुत सारे टोनर्स यूज करे हैं पहले भी, मगर इट्स बीन 2 ईयर्स मैं सिर्फ इससे जुड़ी हुई हूँ, और मैंने खुद महसूस किया कि माई स्किन स्टार्टेड ग्लोइंग. इनफैक्ट यू नो आई एम गेटिंग कॉम्प्लीमेंट्स के विदाउट मेकअप भी हो तो स्किन ग्लो करने लगी. वो है ये पिक्सी का ग्लो टॉनिक. अच्छा, इसे अप्लाई करने का एक तरीका है, आपने इसे कॉटन पैड पे लिया, अच्छे से पहले सब अपनी स्किन पे
टैप टैप करके पहले तो आपने इसे अप्लाई करना है, और डोंट फॉरगेट योर नेक, उस पे भी सारी क्रीम्स को और इसको भी हमेशा याद रखें कि नेक भी जरूरी है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपने कॉटन पैड से कर लिया, आपने स्किन पे ऐसे करना है जब टोनर को यूज आपने। अच्छा, इस तरह करने से क्या होता है कि आपकी स्किन में जो टोनर है वो अच्छे से जज्ब हो जाता है और पूरी रात वो फिर अपना काम करता है। मुझे ये पता नहीं था कि जब टोनर को लगाने के बाद ये करते हैं, तो ये मुझे मेरी जो स्किन स्पेशलिस्ट थी उन्होंने ये बात बताई थी कि हमेशा जब भी टोनर को यूज करें तो आप अपनी स्किन पे इस तरह करें सारी जगह, ताकि टोनर अच्छे से अंदर चला जाए। तो ये हमेशा याद रखेगा, इट्स गोना हेल्प यू। इस टोनर का नाम मैंने आपको बता दिया है, पिक्सी का, और ये भी अपनी नाइट में शुरू कर दें आप लोग। अच्छा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली थिंग जो कि मैंने अभी रिसेंटली, इट्स बीन 3 मंथ्स मुझे हुए हैं यूज़ करे हुए, मैंने इसके बहुत रिव्यूज देखे थे, बहुत चर्चा सुनी थी इसकी, तो मैंने कहा, तो वो चीज है इंकलिस्ट का रोज हिप ऑयल। इसे यूज करने से आप खुद देखेंगे जो आपके पोर्स है ना वो श्रिंक होने, हमारे अक्सर आपने देखा होगा कुछ लेडीज के पोर्स जो होते हैं बड़े ओपन होते हैं, मर्दों के भी होते हैं खुले हुए होते हैं, वो चीज श्रिंक होना शुरू हो जाएगी और आपकी स्किन, आपको खुद महसूस होगा कि बिल्कुल बेबी स्किन होती जा रही है। ये मैंने वाकई खुद महसूस किया है। तो ये आप यूज करें रात को, मगर इसके लगाने का सिर्फ एक तरीका है, सिर्फ 3 ड्रॉप्स आपने लेने, 3 ड्रॉप से ज्यादा नहीं लेने, और इससे आपको अपना मसाज करना है। मसाज की मूवमेंट्स हमेशा ऐसे रहें, गर्दन पे, चीक्स पे, बिल्कुल अच्छे से मसाज करना है, एटलीस्ट 5 मिनट्स। 5 मिनट्स मसाज करके बस आप सो जाएं, और सुबह आप देखें विद इन 7 डेज आई विल टेल यू कि आप डिफरेंस, स्किन बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाती, वैसी हो जाएगी, आपको खुद फील होगा। तो ये थी स्किन रिलेटेड से मुतालिक सारी बातें, और अब बात करते हैं कि अपने सीक्रेट की। तो जनाब, मैं जा रही हूँ एंड ऑफ दिस मंथ पाकिस्तान, और पाकिस्तान में ऐसे ही नहीं जा रही, कोई खास वजह है जिससे रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं, मगर वो ब्लॉग्स मैं तभी बना पाऊंगी जब मुझे आपकी, आप मोटिवेट करेंगे, आप प्लीज अगर मुझे सपोर्ट करेंगे जिस तरह अभी कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों की कमेंट्स आती रहती हैं, इसी तरह मुझे करते रहें, मुझे सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं किया है, और बेल आइकन की घंटी बजा दें ताकि आपको अच्छे अच्छे मेरे व्लॉग्स जो आने वाले हैं और वो आपको मिलते रहें। तो यूं ही अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।